और राइट द नॉमेनक्लेचर हम करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की, नॉमेनक्लेचर उसी तरह से होती है जैसे नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के नॉमेनक्लेचर के अंदर हम क्या करते हैं, NaCl, सोडियम कैटायन है और क्लोराइड एनायन है, तो हम पहले कैटायन को नील करते हैं और फिर उसके बाद हम एनायन को नील करेंगे। उसी तरह से हमने कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में भी यही रूल फॉलो करना है। हमने दो तरह के स्पीशीज करे थे, कैटायनिक स्पीशीज एंड एनायनिक स्पीशीज, तो जो भी उसमें कैटायन होगा उसको हम पहले नेम करते हैं और फिर उसके बाद हम एनायन को नेम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है CO NH3 6 CN3, तो उसमें कैटायन कोऑर्डिनेट एंटिटी है, तो हम पहले कोऑर्डिनेट एंटिटी को नेम करेंगे और फिर उसके बाद काउंटर आयन को नेम करेंगे। अगर हमारे पास K4 Fe CN6 है, तो यहाँ पे कैटायन जो है दैट इज पोटेशियम और कोऑर्डिनेट एंटिटी जो है दैट इज द एनायन, तो हम पहले इसको नेम करेंगे और फिर हम इसको नेम करेंगे। मतलब यहाँ पे हम काउंटर आयन को पहले नेम कर रहे हैं फिर कोऑर्डिनेट एंटिटी को नेम कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहले कोऑर्डिनेट एंटिटी को नेम कर रहे हैं और फिर काउंटर आयन को नेम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट रूल है जो कि फॉलो होगा ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सेकंड रूल, जब हम कोऑर्डिनेट एंटिटी को नेम करते हैं तो इसको हम दो तरह से करते हैं बिकॉज हमको दो दो चीजें आनी चाहिए। लेट्स गो ऑन टू फर्स्ट रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला, कि हमें नेम दे रखा है और हमको उसका फॉर्मूला जो है उसे लिखना है, राइट। सो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर दिस। द फर्स्ट रूल क्या आएगा, फॉर्मूला ऑफ द कैटायन इज रिटन फर्स्ट, फॉर्मूला ऑफ द कैटायन इज रिटन फर्स्ट, राइट। सो मतलब एज वी आर डूइंग ओवर हियर, यहां पे ये कैटायन है तो हमने पहले कोऑर्डिनेट एंटिटी का फॉर्मूला लिख दिया, यहां पे ये कैटायन है तो हमने पहले काउंटर आयन का फॉर्मूला लिख दिया। तो जब आप फॉर्मूला लिखते हो पहले आपको सबसे पहले कैटायन का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद एनायन का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। सेकेंड रूल, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। सो हमने यहां पे भी आप देखो कोऑर्डिनेट एंटिटी हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाली है। कोऑर्डिनेट एंटिटी क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स जो है उसको हम कोऑर्डिनेट एंटिटी बुलाते हैं। सो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये लिगेंड्स हो गए, इन दोनों को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्लेस करते हैं, ठीक है। थर्ड, द सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स विद इन द कोऑर्डिनेट एंटिटी इज, कोऑर्डिनेट एंटिटी में एज आई टोल्ड यू क्या होगा सीक्वेंस, सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम का फॉर्मूला डालेंगे कोऑर्डिनेट एंटिटी में, सेंट्रल मेटल एटम इज प्लेस्ड फर्स्ट, एंड देन द लिगेंड्स, देन द लिगेंड्स। तो वही हमने करा है, पहले हमने सेंट्रल मेटल एटम लिखा है और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट सॉरी लिगेंड्स डाले। लिगेंड्स हमने करा था, दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, वन इज होमोलेप्टिक एंड वन इज हेटरोलेप्टिक। अगर होमोलेप्टिक हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
बिकॉज होमोलेप्टिक एक ही तरह के, पर अगर हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए रूल्स फॉर प्लेसिंग द लिगेंड्स, लिगेंड्स को हम किस तरह से प्लेस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिगेंड्स को हम प्लेस करेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास लिगेंड है जो कि H से शुरू हो रहा है, N से शुरू हो रहा है, O से शुरू हो रहा है और S से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम कौन सा प्लेस करेंगे? सपोज H भी है, ठीक है, सो सबसे पहले क्या आता है? A B C D E F G H। तो सबसे पहले हम प्लेस करेंगे लिगेंड जो H से शुरू हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्वा, ठीक है, उसके बाद C से शुरू हो रहा है, नहीं सॉरी पहले C से शुरू हो रहा है होएगा, जैसे फॉर एग्जांपल CN, ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास साइनो, साइनो भी C से शुरू होता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो N से शुरू होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रो, और अगर ये एम्बिटेंट ग्रुप है, अगर ये N से कर रहा है तो नाइट्रो होगा, अगर O से कर रहा है तो O नाइट्रेट होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद आ गया सल्फर, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव जो कि S से शुरू हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप इसकी प्लेसमेंट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर H2O है, NH3 है, NO3 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है और OH नेगेटिव है, कौन कौन से हम बोल रहे हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2O, NH3 के बाद आ गया NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव के बाद आ गया OH, राइट। तो ऑर्डर किस तरह से हम लिखेंगे? सबसे पहले H2O, नहीं अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना सुमेधा, अभी हम फॉर्मूला डाल रहे हैं, नेमिंग नहीं कर रहे, अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कि जब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एंटिटी में लिगेंड्स आपको दिए हुए हैं तो उसमें आपने लिगेंड्स को कैसे प्लेस करना है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले किसका आएगा? वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंड से शुरू हो रहे हैं, सो फिर आपने सेकेंड वाला देखना है, तो सेकेंड में ये एच है और ये ओ है, सो एच पहले आता है तो इसलिए उसके बाद हम प्लेस करेंगे NH3, ठीक है, NH3 के बाद ना NH3 के बाद NO3, NO3 के बाद S पहले आता है कि O पहले आता है? O पहले आता है, सो OH नेगेटिव और फिर उसके बाद SO4 नेगेटिव। सो इस तरह से अगर हिड्रोलेप्टिक कंपाउंड्स हैं तो फॉर्मूला को हम लिगेंड्स को ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल लिगेंड्स का क्या बोलता है कि व्हेन टू लिगेंड्स हैव सेम डिफाइनिंग एटम, लिगेंड्स विद फ्यूअर नंबर इज साइटेड फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है NH3 और N2, ओके, सो रूल क्या बोलता है कि जिसके पास कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे फर्स्ट एलिमेंट के उसको हम पहले प्लेस करेंगे। सो इसमें हम NH3 को प्रेफरेंस देते हैं, NH3 को फर्स्ट नंबर देंगे और N2 को हम सेकेंड नंबर देंगे, मतलब कि अगर आपके पास दो लिगेंड्स हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो हम पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? उसको प्रेफरेंस देंगे जिसमें नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कम होते हैं। NH3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स N का कितना है? 1 और N2 में कितना है? 2। सो प्रेफरेंस हम किसको देते हैं? NH3 को, राइट। देन वी गो ऑन टू द थर्ड रूल,
If the number of defining atoms are equal, subsequent symbol decides the sequence. This I have already told you कि अगर हमारे पास दो species हैं जिसमें first वाला element का number same है, तो in that case फिर हम second वाले element को consider करते हैं. जैसे हमारे पास है NH3 और हमारे पास है NO2 negative. Okay, अब यहाँ पे भी एक ही है nitrogen, यहाँ पे भी एक ही है nitrogen, है ना? So अब हमको देखना है कि hydrogen और oxygen में कौन सा पहले आता है? H पहले आता है कि O पहले आता है? H पहले आता है. तो इसमें हम NH3 को first number देंगे और NO2 को second number देंगे. So ये rules है for the ligands. ठीक है? एक बार फिर से देखो, first में formula of the cation पहले लिखेंगे, second में coordination entity को square brackets में डालेंगे, third में central metal atom को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद ligands को लिखते हैं. और ligands के लिए क्या rule है? अगर ligands जो है वो present है with different alphabets for heteroliptic, तो हम alphabetical order में उसको place करते हैं. second rule क्या है कि अगर हमारे पास दो elements हैं जिसका first वाला same है, तो हम उसे first preference देंगे जिसके पास number of atoms less है. third, अगर हमारे पास first में number of letters भी same है, तो हम subsequent letter को, next letter को compare करते हैं. तो यहाँ पे hydrogen पहले आता है oxygen से, इसलिए हम यहाँ पे ammonia को preference देंगे. ठीक है? Then our fourth rule क्या है? Fourth rule बोलता है कि polydentate ligands are listed alphabetically. Polydentate ligands हमने करे थे. को हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हो गए, इथाइलीन डायमीन अब्रिविएशन डाल रहे हैं हम, और उसके बाद हमने ऑक्सलेटो आयन डाला था. ठीक है? और फिर पॉलीडेंटेट में हमारे पास पिरिडीन है, राइट? तो इसको भी हम लोग अल्फाबेटिकली ही प्लेस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट लेटर. जैसे इसको हम बोल रहे हैं इथाइलीन डायमीन, सो ई से शुरू हो रहा है, उसी तरह से ऑक्सलेटो ओ से शुरू हो रहा है, और पिरिडीन पी से शुरू हो रहा है, और एक और आपने किया था EDTA, हाँ डाइमिथाइलग्लिसराइन, ग्लिसराइन भी ठीक है, EDTA. ठीक है? अब यहां पे देखो हमारे पास दो हैं विद द सेम, फिर हमको सेकंड वाला देखना है इथाइलीन डाइअमीन, और ये इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा, डाइअमीन फिर दोनों के सेम आ गए, तो फिर आपको थर्ड वाला देखना है. तो इसमें इथाइलीन डायमीन को प्रेफरेंस मिलेगी. ठीक है? अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ये, इसके बाद वैसे तो ये सारे इकट्ठे प्रेजेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर EDTA प्रेजेंट है तो EDTA सिक्स कोऑर्डिनेशन जो नंबर है उसको फुलफिल करता है. तो जब EDTA प्रेजेंट होगा तो सिर्फ EDTA प्रेजेंट होगा, तो इसको हमें यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत ही है. समझ में आया ना? EDTA hexadentate ligand है, वो पूरे के पूरे जो सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको क्या कहते हैं फुलफिल कर रहा है. अगर वो उसको फुलफिल कर रहा है तो तब कोई और ligand प्रेजेंट ही नहीं हो सकता, सिर्फ EDTA ही प्रेजेंट होगा. ओके? सो हम इनको कंपेयर करते हैं, इथाइलीन डायमीन आ गया, फिर उसके बाद ई के बाद क्या आता है? ओ, है ना? सो फिर उसके बाद आ जाएगा ऑक्सो और राइट. तो नेक्स्ट जो रूल है फिफ्थ रूल बोलता है फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज और नॉट इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस. हाँ, तो मतलब कि जब हम लोग करते हैं कोई भी फॉर्मूला, जैसे हमने यही करा था, ये वेदर हमारा ये कैटायनिक स्पीशीज हो या वो एनायनिक स्पीशीज हो
तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालेंगे और जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स में अगर मोर देन वन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम राउंड ब्रैकेट्स या पेरेंथेसिस बुलाते हैं ना, उसको राउंड ब्रैकेट्स या पेरेंथेसिस में डालेंगे। जैसे NH3 के पास तीन एटम्स हैं और आपको उसको NH3 होल सिक्स करना है तो आपको इसे ब्रैकेट में डालना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं डालोगे ब्रैकेट में तो दैट विल नॉट सर्व द पर्पस, हमें समझ में ही नहीं आएगा कि भी हम क्या लिखना चाह रहे हैं। उसी तरह से अगर साइनो हमको डालना है तो साइनो भी हमको पैरेंथेसिस में ही डालना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, ये नेक्स्ट रूल हो गया। देन द सिक्स्थ रूल, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आयनिक स्पीशीज। अगर हम पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं तो काउंटर आयन और कोऑर्डिनेट एंटिटी के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रह चाहिए, ये एक सिंगल एंटिटी की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट एंटिटी हो गई, ये काउंटर आयन हो गया, तो इन दोनों के बीच में देयर हैज टू बी नो स्पेस। इज इट क्लियर? ओके, देन द नेक्स्ट रूल, अब्रीविएशंस मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। जैसे इथाइलीन डायमीन जो है उसको हमने पूरा नहीं लिख सकते, ना हम पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं जब हम उसका ये डाल रहे हैं, बिकॉज इथाइलीन डायमीन का फॉर्मूला कितना बड़ा है, चलो उसका फिर भी छोटा है। इथाइलीन डायमीन इज दिस ना, CH2 NH2 CH2 NH2। अब इसे तो हम एज अ होल वी कैन नॉट पुट इन द स्क्वायर कोऑर्डिनेट एंटिटी में, इतना बड़ा फॉर्मूला हम कहां डालेंगे, इनके तो हम सबके फॉर्मूले डाल रहे हैं, तो उसको हम अब्रीविएशन में ले लेते हैं एज दिस। तो जहां पे भी ईएन लगा होगा फॉर्मूला में उसका मतलब हुआ वो इथाइलीन डायमीन लिखा हुआ। क्लियर हो गया? उसी तरह से ऑक्सीनेटों का, उसी तरह से पिरिडीन का, उसी तरह से डायपिरिडिल का, उसी तरह से ईडीजीए का, तो इन सबकी हम लोग अब्रीविएशन जो है वो लिखते हैं, पूरा फॉर्मूला हम मेंशन नहीं करते। राइट, देन द नेक्स्ट रूल, एट हो गया, सेवेंथ तो ये कर लिया ना आपने, सिक्स किया, सेवेंथ हमने किया कि हम इसकी अब्रीविएशन डालते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट रूल इज नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस टू बी रिटन इन द फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। चलो दैट डज नॉट मैटर, जैसे हम यहां पे कर रहे हैं तो यहां पे अगर कैटायन के ऊपर 3 पॉजिटिव है तो काउंटर आयन इस 3 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे जब हम Cl3 करते हैं तो Cl3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, 3 नेगेटिव। अगर यहाँ पे Cl3 की जगह हम Cl2 डाल देंगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, बिकॉज जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड एज अ होल होता है दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल, दैट हैज टू बी ऑलवेज न्यूट्रल। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गए रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला। क्लियर हो गया? देन वी गो ऑन टू रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहले हमने फॉर्मूला लिखा था, हमें नेम दे रखा था और हमको बोला कि तुम इसका फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला के हमने सारे रूल्स देखे। ठीक है, अब हमें उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है और हमें उसकी नेमिंग करनी है।
राइट. सो नेमिंग का जो फर्स्ट रूल है सेम होगा आयनिक कॉम्प्लेक्सेस फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ द कैटायन एंड देन वी राइट द नेम ऑफ द एनायन. ठीक है, सेम एज वी हैड डन NaCl सोडियम क्लोराइड. तो अगर हमारे पास ये है तो हम पहले नेम किसको करेंगे, कोऑर्डिनेट एंटिटी का नाम. फर्स्ट वी विल नेम द कोऑर्डिनेट एंटिटी एंड देन सेकेंडली वी वुड नेम द काउंटर आयन. राइट. और अगर हमारे पास इससे उल्टा है तो इस पे हम क्या पहले डालेंगे, काउंटर आयन का नाम पहले बिकॉज वो कैटायन है और फिर उसके बाद वी विल नेम द कोऑर्डिनेट. क्लियर, ये फर्स्ट रूल हो गया. सेकेंड, जब हम नेम करते हैं कोऑर्डिनेट एंटिटी को तो कोऑर्डिनेट एंटिटी में हम पहले लिगेंड्स को नेम करते हैं. इन नेमिंग द कोऑर्डिनेट एंटिटी फर्स्ट वी विल नेम द लिगेंड्स. Ligands are named in alphabetical order. ठीक है, and then we will name the metal atom followed by its oxidation state in Roman numerals. Roman numerals in brackets. Roman numerals का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 लिख रहे हैं so हम इस तरह से oxidation state को mention करते हैं. अगर हम 4 लिख रहे हैं तो इस तरह से हम oxidation state को mention करते हैं. So हमने ligands लिख लिए, फिर हमने metal atom लिख लिया. मेटल एटम के बाद बहुत असेंशियल है उसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करना. अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं करते हो तो आंसर रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट गो ऑन टू द थर्ड रूल, नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स. देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, अल्फाबेटिकली तो हमने डालनी है बट देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स. ठीक है, एक नेगेटिवली चार्ज होंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज होंगे और एक न्यूट्रल होंगे. सो नेगेटिवली चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, दे एंड इन ओ. नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स एंड इन ओ. ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन द नेम्स ऑफ फ्यू. एफ नेगेटिव फ्लोरिडो, पहले इसको हम फ्लोरो लिखते होते थे अकॉर्डिंग टू द ओल्ड नॉमेनक्लेचर बट अब नए नॉमेनक्लेचर के अंडर हम इसको फ्लोरिडो लिखते हैं. उसी तरह से सीएल नेगेटिव क्या आ जाएगा, Br negative, bromido. ठीक है, फिर उसके बाद आ गया NO2 negative, nitrito N. hyphen डालना है बीच में, nitrito N.
और अगर यही इस तरह से दिया है O N O negative, then it is nitrito O. Right? It is written as nitrito O. फिर उसके बाद आ गया SO4, 2 negative, sulfate. ठीक है, फिर उसके बाद आ गया OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो. उसके बाद आ गया COO नेगेटिव, COO नेगेटिव ऑक्सीडेटो. ठीक है, ऑक्सीडेटो. फिर उसके बाद आ जाता है CH3COO नेगेटिव एसीटेटो. एसीटेट आयन है ना ये, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एसीटेटो. ठीक है, फिर उसके बाद आता है NO3 नेगेटिव. NO3 नेगेटिव क्या आएगा? नाइट्रेटो. Nitrate ion है ना ये, NO3 two negative. This is a two negative, sorry one negative. Nitrate ion. और फिर उसके बाद CO3 two negative, carbonate. So this is how you are going to name the negatively charged anions. जो लिगेंड्स हमारे होते हैं. ठीक, सेकंड हमारे पास आते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स.
This is dipyridine. ठीक है, so जैसे हम लोग small letter के साथ इसको करते हैं,
ये हमारे पास सबसे पहले हम किसको करेंगे लिगेंड, तो दिस इज हेक्सा अमीन, नो स्पेस कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस थ्री, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री आएगी ना इसमें थ्री। अब काउंटर आयन और इसके बीच में किसी किसी बुक्स में स्पेस दे रखी है, किसी किसी में नहीं दे रखी, इट इज बेटर इफ यू गिव, ओके। बट अल्फाबेट जो है वो स्मॉल ही रहेगा, क्लोराइड, ठीक है। हेक्सा अमीन कोबाल्ट थ्री अमीन का ए रिटेन नहीं रहेगा, डबल ए ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पीटीसीएल फाइव एनएच थ्री नेगेटिव, ये एनायनिक स्पीशीज है, सो एनायनिक स्पीशीज का जो नेम है वो डिफरेंट रहता है। इसमें फिर से हम पहले नेम करेंगे, यही अमीन आएगा पहले, ठीक है। सो अमीन पेंटा क्यूरिडो प्लैटिनेट प्लैटिनेट हम क्यों ले रहे हैं, जो भी एनायनिक स्पीशीज होगी उसमें सेंट्रल मेटल का जो नेम है वो एट से एंड में आएगा, क्योंकि इसमें हम काउंटर आयन को पहले लिखेंगे, यहाँ पे हमें काउंटर आयन दिया नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा, राइट। अब यहाँ पे प्लैटिनम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, क्या होगा 5 - 1 = 4, क्योंकि ये आयन है इसलिए हमें आयन लिखना जरूरी है, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। द नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड अब इसमें पहले अगेन ये एनायनिक स्पीशीज, सो काउंटर आयन लिखेंगे पहले पोटेशियम, फिर लिगेंड हेक्सासाइनेटो फेरेट, फेरेट ही आ रहा है ना, सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेज क्या आएगा 6 - 3 फेरेट, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास पीटी सीएल एनओ टू एनएच थ्री गोल फोर एसओ फोर। अब इसमें हमको देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली, अमीन पहले आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्लोरीडो आएगा, फिर उसके बाद नाइट्रेट आएगा, ठीक है। सो हमारे पास आ गया टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन क्लोरीडो नाइट्रेटो एन प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 2 - ये 1 - ये और 1 - ये 4 प्लैटिनम 4 सल्फेट राइट, प्लैटिनम 4 सल्फेट। इसका नाम तो ऐसे हो गया जैसे वो एक आई है फिर पेन की उसका, हाँ उसका बेबी का बर्थ होता है तो बोलते हैं इसका क्या नाम है, तो वो
लिखना शुरू करता है, पहले उसका नाम लिखता है, फिर अपना, फिर अपने फादर का, फिर दादे का, फिर परदादे का, सो इतना बड़ा नाम हो जाता है कि मेरे वो उसको पूरे जिंदगी में जब भी उससे नाम पूछते हैं तो उसका नाम ही नहीं खत्म होता है, 5 मिनट तक उसके नाम ही बोलते रहते हैं। सो इसका नाम भी उतना ही लंबा हो रहा है और लेकिन सुनते तो और लंबा हो जाता थोड़ा सा, है ना। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव fifth example which we are going to do is K4Ni right, ab ye bhi cationic species hai to pehle potassium aayega hai na, potassium hexacyanate to nahi sorry CO है, CO is what? Carbonate. Potassium, tetra, cyanato, tetra cyanato, nickelate. जीरो भी होगा तब भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट डालनी ही है, वी हैव टू पुट द ऑक्सीडेशन स्टेट एज जीरो, ठीक है। सो वी अंडरस्टूड दीज 5 एग्जांपल्स, ओके अनदर 5 उसकी भी नेमिंग करनी आ जाए, ओके। सो वी आर डूइंग एन एग्जांपल CO, Cl2, इथाइलीन डायमीन, होल्ड वाइज SO4। अब इसका क्या नाम होगा? डाइक्लोरीडो, सबसे पहले अल्फाबेटिकली सी पहले आता है और फिर इथाइलीन डायमीन ई बाद में आता है, तो डाइक्लोरीडो बिस इथाइलीन डायमीन बिस इथाइलीन डायमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? इसकी 2 नेगेटिव और उसकी भी 2 नेगेटिव, सो 4। सल्फेट, ठीक है। देन 7 वी गो ऑन टू, ओके लेट्स सी दिस वन। We have potassium, CrF4, O. So, potassium. अब इसको oxo लेना है हमको। O जब अकेला बड़ा होता है तो उसको oxo लेना है। ऑक्सो और फ्लोरिडो में F पहले आएगा, टेट्रा फ्लोरिडो, टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सो, क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसमें? 5 6 माइनस 1 5
oxidation state is going to be 5. ठीक है ओके फिर उसके बाद है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माने वी हैव दो कोऑर्डिनेट एंटिटीज COCl2 NH3 4 ठीक है दिस इज होल थ्राइस और CrCN6 अब इसकी नेमिंग हमने कैसे करनी है सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंटिटी को नेम करेंगे और फिर हम सेकेंड कोऑर्डिनेट एंटिटी को नेम करेंगे ठीक है सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंटिटी क्या आ रही है टेट्रामीन टेट्रामीन डाई क्लोरीडो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या आएगी नहीं सिक्स थ्री आ रही है थ्री चलो अभी बताते हैं थ्री कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी आ रही है थ्री फिर उसके बाद सेकेंड का क्या है हेक्सासाइनेटो क्रोमियम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में एज इट इज लिख लू फिर मैं कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताती हूँ ठीक है सो हमारे पास आ गया टेट्रामीन डाई क्लोरीडो कोबाल्ट थ्री हेक्सासाइनेटो हेक्सासाइनेटो क्रोमियम और इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज गोइंग टू बी थ्री ओके अब इन दिस केस हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं जैसे जब आप यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हो तो यहां पे एक थ्राइस भी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसीज को है ना सो अगर यहां पे ये थ्राइस है तो मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थ्री पॉजिटिव है ना सो थ्री पॉजिटिव हो गई इसकी और इसकी कितनी होनी चाहिए वन पॉजिटिव ओके सो जब इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हो तो ये टू हो गई सॉरी वन नेगेटिव ये टू हो गई ठीक है सो माइनस टू एंड माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स टू थ्री नहीं नहीं जब आप इसको करोगे तब आप इस तरह से नहीं लिखते हो जब आप कॉम्प्लेक्स आयन से लिखोगे तो उसमें हम कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज अलग अलग नहीं ले रहे ले रहे हम एक टोटल ही है बट जस्ट टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको बता रही हूँ कि हम इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैलकुलेट करते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया सिक्स नेगेटिव एंड सिक्स माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री ओके सो इसपे आपने देखना है इसे कि ये हमको क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट हैव यू अंडरस्टूड ओके ऑल्दो ऐसा नहीं आता है तुम्हें बट कॉम्पिटिशन्स में आ सकता है बोर्ड्स में तो नहीं आएगा बट कॉम्पिटिशन्स में आ सकता है और अगर बोर्ड वाले देना भी चाहे तो हमें तो आता है ना हमने कर लिया सो तब नहीं बोलना कि मैम हमने तो नहीं करा था इसलिए हमें नहीं आता मैंने तुम्हें करा दिया मेरी तो ड्यूटी पूरी हो गई ठीक है इज इट क्लियर चलो इतना ही एटी करो फिर ओके okay?